रविचंद्रन अश्विन को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम में मची खलबली और हो गई लड़ाई। भाई रविचंद्रन अश्विन एक ऐसा एक्स फैक्टर टीम इंडिया का जो आप देख रहे हैं कई सालों से स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में, रेड बॉल फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा असरदार है, और इंडिया के पिचेस पर या फिर कहें एशियन पिचेस पर तो भाई रविचंद्रन अश्विन को खेलना मतलब ऐसा आप खेल रहे हो, समझ लो कि इंग्लैंड की पिचेस पर जेम्स एंडरसन को खेल रहे हो, उस तरह के गेंदबाज है, उस तरह का कद है। और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो WTC फाइनल होना है 7 जून से 11 जून के बीच, वहां से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मच गई है अश्विन को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उनको क्या दिक्कत है, तो आपने देखा होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस तरह से अश्विन के एक कॉपी जैसे देखने वाले गेंदबाज से प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अश्विन का थ्रेट जो है वो उसे अवॉइड कर सकें, बट ऐसा हुआ नहीं। आखिर में यही हुआ कि अश्विन और जडेजा ने बैंड बजा दी ऑस्ट्रेलिया की और बॉर्डर गावस्कर भारत जीत गया। बट अब चूंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पर है और वहां पर इंडिया की उतनी अच्छी स्पिन कंडीशन नहीं रहेंगी, तो अश्विन और जडेजा में से शायद कोई एक खेलेगा, अब तक तो यही मानना है। अब इसी बात पर ऑस्ट्रेलिया के जो असिस्टेंट कोच है डैनियल विटोरी, बहुत बड़े स्पिनर रहे हैं न्यूजीलैंड के, वो उन्होंने मीडिया से बातचीत की वहाँ पर जहाँ पर अभी प्रैक्टिस चल रही है, और वहाँ पर उन्होंने अश्विन को लेकर कहा कि भाई अश्विन को लेकर हमारे टीम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है और यही संदेश है, यही संदेह है कि भाई क्या अश्विन खेलेंगे, अश्विन और जडेजा क्या दोनों खेलेंगे या फिर जडेजा खेलेंगे। इसी बात पर डैनियल विटोरी ने बात की और कहा कि भाई जडेजा तो 100% खेलेंगे क्योंकि नंबर 6 पर बहुत शानदार बैटिंग भी करते हैं, तो उनका पक्का तो खेलना है, बट क्या अश्विन खेलेंगे क्योंकि पिच जो है वो थोड़ी सी स्विंगिंग कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, तो फास्ट बॉलर्स को शायद मदद कर दे। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी यही बहस छिड़ी हुई है कि अश्विन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। क्योंकि भाई आपने देखा होगा बॉर्डर गावस्कर में डेविड वार्नर हो, उस्मान ख्वाजा हो, स्टीव स्मिथ हो, लाबुशेन हो, ये जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वो सब अश्विन का थ्रेट महसूस कर रहे थे, और अश्विन जडेजा की जोड़ी जब एक साथ अटैक करती है तो भाई सबसे ज़्यादा घातक हो जाती है, जैसे एंडरसन और ब्रॉड की जोड़ी है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस पिच पर अश्विन या जडेजा क्या दोनों खेल जाएंगे, क्योंकि हर कोई का ये मानना है कि इंडिया एक स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर्स यानी कि उसमें एक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, क्योंकि पिच ज़्यादा अनुकूल नहीं है स्पिन के। बट ये भी हो सकता है कि इंडिया डेप्थ के लिए, बैटिंग के डेप्थ के लिए अश्विन को खिला ले, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पर ओकेजनली स्पिन जो है एडवांटेज रहेगा, स्टीव स्मिथ ने भी ये बयान दिया है। अब ये देखना होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो चिंता है ये उन्हें डुबा देती है या फिर उनकी चिंता दूर हो जाती है कि अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, अश्विन प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।